शहर शहर घूमते हुए हम लोग पहुंचे एक छोटे से राज्य पुडुचेरी, जी हाँ, जिसका नाम पहले पौंडीचेरी हुआ करता था। और ये एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। 31 अक्टूबर 1954 तक यह फ्रांसीसियों के पास थी, उसके बाद ये भारत में शामिल हो गया। हम आज आपको पौंडीचेरी घुमाने लेकर आए हैं और यहाँ हम आसानी से कम कीमत पर कैसे घूम सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। दिल्ली से पुदुचेरी आने के लिए सबसे सस्ता साधन ट्रेन है। आप स्लीपर में महज 860 रुपए खर्च करके पुडुचेरी आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप दिल्ली से फ्लाइट भी पकड़ सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप अपना होटल पुडुचेरी पहुंचने के बाद ही बुक करें, और आपको शहर के अंदर 800 से 1000 रुपए के बीच होटल का कमरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको समुद्र किनारे रूम लेना है तो उसके लिए आपको जेब थोड़ी ढीली करनी होगी, और फिर आपको 2 से 2500 रुपए के आसपास एक कमरा मिलेगा। अब जब रहने का जुगाड़ हो गया है तो अब देखते हैं घूमने के लिए सबसे सस्ता जुगाड़, यानी स्कूटी। आप स्कूटी केवल 300 से 400 रुपए में ले सकते हैं, और वो भी पूरे दिन के लिए, जिससे पुडुचेरी में आप कहीं भी जा सकते हैं। ये घूमने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। और अब रहने और घूमने का इंतजाम होने के बाद थोड़ी पेट पूजा की जाए। यहाँ के खाने पर फ्रेंच, तमिल और पुडुचेरी की छाप सीधे तौर पर देखी जा सकती है। तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले ऑरोविल, जो कि 12 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना 1968 में मीरा अल्फासा द्वारा की गई थी। ये एक तरह का अनोखा मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ 100 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल कर शांति से घंटों बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। इस विशाल गुंबद को आप देख रहे हैं, इसे मातृ मंदिर कहते हैं, और इसे बनने में 37 साल लगे। लौटकर हम लोगों ने अरविंदो आश्रम देखा। यहाँ अरविंदो की समाधि और उनसे जुड़ी किताबें मौजूद हैं। कैमरा अंदर ना ले जाने के कारण हम अंदर शूट नहीं कर सके, लेकिन बाहर से आप इसमें देख सकते हैं। दोपहर में पहुंचने के कारण हम थोड़ा थक गए और हमने आराम करने का फैसला किया, और शाम होते होते हम निकल गए प्रोमिनाद बीच। शहर के लोकल लोग यहाँ खूब आते हैं, और हमने भी यहाँ बैठकर उछलते हुए समंदर का आनंद लिया। उसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए। नाश्ते के लिए हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया। इससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो भी होटल बुक करें वो ब्रेकफास्ट आपको साथ में दे, जो कि आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा। अब नाश्ता करने के बाद हम निकले फ्रेंच टाउन, या यूं कहें कि व्हाइट टाउन को देखने के लिए। जहां आप आएंगे तो आपको ये अलग ही दुनिया लगेगी, क्योंकि यहां की दीवारें अलग अलग रंग की हैं, गलियों के नाम वो भी फ्रेंच में हैं। यह सब अपने आप में फ्रांस की संस्कृति को ओढ़े हुए है। यहाँ कई सारे कैफेज हैं जो कि काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कोरामंडल कैफे सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमने बियर पिज्जा का आनंद लिया, और उसके बाद हम लोग चले गए सेरेनिटी बीच, जहाँ आप जाकर नहा सकते हैं। यहाँ मछुआरे भी रहते हैं। हम लोगों ने एक हेरिटेज होटल बुक किया, ली ड्यूप्लेक्स। ये 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी विला था, जो कि कभी पुदुचेरी के मेयर का निवास था। इस होटल की खास बात थी कि ये लकड़ी का बना हुआ था, और इसमें रेस्टोरेंट में खाना भी पूरी फ्रांस की संस्कृति से जुड़ा हुआ था। आप नाश्ता करें या लंच करें, आपको कोई भी फ्रेंच डिश मिल जाएगी। पुदुचेरी में आप आए हैं, यहाँ की फिल्टर कॉफी को जरूर ट्राई करिएगा। ये फिल्टर कॉफी एक एहसास है जो शायद आप कभी न भूल पाए। पुदुचेरी में घूमने के लिए बता दूं कि यहाँ दो बड़े पुराने चर्च भी हैं, द सेकंड हार्ट बेसिलिका 100 साल और इमेकुलेट कॉन्सेप्शन कैथेड्रल तकरीबन 300 साल पुराना बताया जाता है। तो अगर आप यहाँ आए तो इन दोनों चर्च को जरूर देखिएगा। शाम होते ही हम लोग रॉक बीच की ओर निकल गए। वहाँ बैठकर समंदर की लहरों की आवाज आपका मन बोलेगी। थोड़ी सी दूर आप चलेंगे तो वहाँ महात्मा गांधी की मूर्ति दिखाई देगी, जो अपने आप में ही पुडुचेरी की पहचान है। ठीक गांधी जी की स्टैचू के सामने एक फ्रेंच वॉर मेमोरियल भी है, जहाँ स्मारक फ्रांसीसी भारत के निवासियों को समर्पित है, जो लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए थे।
रात होते ही हमें एक रेस्टोरेंट का पता चला, सीगल्स बार एंड रेस्टोरेंट, जहां आप समंदर का आनंद लेते हुए खाने का आनंद ले सकते हैं। यहां का खाना और व्यू की बात करें तो दोनों लाजवाब हैं। यहां आप जरूर आएं। लेकिन पुदुचेरी के बारे में बात कहूंगा, ये अपने आप में एक एहसास है, तो आप सभी को यहाँ पर जरूर आना चाहिए। अगर आप 3 दिन का प्लान बनाएंगे तो 2 दिन में आप पूरा पुदुचेरी घूम लेंगे। इन सब के अलावा आपको 1 दिन पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी रखना होगा, उसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।